नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, और है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, जब भी वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रोम में, और यहाँ पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे udai.com। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और हम इसके नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों आधार सर्विस, और इसके नीचे देखिए पहला ही नंबर पे है वेरीफाई एन आधार नंबर, इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये खुल गया, और अब हम यहाँ पे 12 अंक का अपना आधार नंबर डालेंगे। तो मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने देखिए डाल दी, और इसके नीचे देखिए दोस्तों ये दिया है कैप्चा कोड, इसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वो छोटे में दिया है। और दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अपने फ़ोन से ही पता कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों, अब देखिए मैंने कैप्चा कोड डाल दी है, अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, खुल गया कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोगों के सामने, और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है एज, बैंड, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों, मेरे एक आइडिया की सिम है, जो वाला नंबर इसमें लिंक है 654, मेरा लास्ट का तीन अंक जो दिया है यही है मेरा। तो दोस्तों, आप भी पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमें बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद दोस्तों।